सहारा इंडिया की अच्छी खबर यह है कि सहारा चिटफंड मामले में उपभोक्ता फोरम ने 62 लोगों को 29 लाख का मुआवजा दिलाया। अन्य चिटफंड पीड़ितों की उम्मीद जगी बड़ी अपडेट जो दोस्तों हम लेकर आए सहारा इंडिया की है। सहारा इंडिया की ताज़ा अपडेट ग्वालियर की ये बड़ी खबर है। खबर सुनाने से पहले दोस्तों आपसे अनुरोध है चैनल पर बने रहें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ के साथ हमारी बेल आइकन का बटन दबाएं और ऑल पर सिलेक्ट करें ताकि हमारे द्वारा बनाई गई हर एक ताज़ा ताज़ा न्यूज़ पहुंचे सबसे पहले आपके पास। तो चलिए दोस्तों बिना विलंब करें शुरू करते हैं आज की ताज़ा ताज़ा अपडेट। सहारा चिटफंड घोटाले के मामले में उपभोक्ता फोरम ने की बड़ी कार्रवाई। फोरम ने 62 लोगों को 29 लाख रुपए का मुआवजा दिलाया है। लंबे समय से चल रही चिटफंड के निवेशकों की एक लड़ाई, उसमें आज निवेशकों को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। 62 लोगों को 29 लाख रुपए का मुआवजा यहां पर दिलाया गया है। लंबे समय से मुआवजे की उम्मीद में हिम्मत हार चुके लोगों को ग्वालियर की उपभोक्ता फोरम ने उम्मीद जगाई है। बहुचर्चित सहारा चिटफंड घोटाले का मामला एक बार फिर चर्चा में है। अपनी जमा पूंजी दांव पर लगा चुके देश भर के लोगों में ग्वालियर ज़िले के ही कई लोग शामिल हैं। उनकी उम्मीद को उपभोक्ता फोरम से बल दिया गया है। ज़िले में 62 लोगों को उनकी पूंजी की 30% राशि दिलवाने के आदेश के साथ लगभग 29 लाख रुपए की डिमांड ड्राफ्ट जारी किया जा चुका है। कुल रकम लगभग 42 लाख रुपए आसपास, मतलब 42 लाख के आसपास है। अभी लोगों को 13 लाख रुपए और दिए जाएंगे। अधिवक्ता हेमंत शर्मा ने सत्या शर्मा ने बताया कि केंद्र सरकार की पोर्टल सुविधा के बाद पहली बार इस मामले में इतना बड़ा भुगतान हो रहा था। दोस्तों यहां पर सहारा का पोर्टल की सुविधा भी है, उसके बाद भी यहां पर निवेशकों को इंसाफ देने के लिए उपभोक्ता अदालत ने एक बड़ा काम किया है। तो दोस्तों ये सराहनीय काम है क्योंकि यहाँ पर जो पोर्टल खोला जा रहा है उसमें ज़्यादातर रिजेक्टेड का ऑप्शन निवेशकों के आ रहे हैं, जिससे निवेशकों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। लेकिन उपभोक्ता फोरम की तरफ से जो यहाँ पर ये हमारे पास अपडेट आई है ये निवेशकों के हितों में है। और यहाँ पर साफ तौर से ये भी बताया जा रहा है कि कितना प्रतिशत पैसा दिया जा रहा है और वो मूलधन है, ब्याज है, उसका सब यहाँ पर एक बाय डेटा है। लेकिन ये जो सहारा का पोर्टल है इसमें ये नहीं बताया जा रहा है कि निवेशक का जो ये जो 2 लाख 10 लाख जिसका लगा है उसे 10,000 रुपया किस बात का दिया जा रहा है। क्या ये उसका वार्षिक ब्याज है या छमाही ब्याज है या सालाना ब्याज है या क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर पोर्टल के नाम पर झूठी वाहवाही लूटने का एक ये पोर्टल खुला हुआ है। तो मिलते हैं फिर किसी नई अपडेट के साथ।